हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनबॉक्स विद रोशनी पर। सो आज हम आपके लिए लाए हैं एक इलेक्ट्रिक कैटल। ये कैटल हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है जो कि अराउंड 544 रुपीज की पड़ी है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। को जरा बाहर निकालते हैं, थोड़ा संभाल के बाहर निकालेगा, ये तो फंसा पड़ा है एक्चुअली। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फाइनली खुल गया। ओके, सो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक केटल। तो जेंटली बाहर निकालते हैं बॉक्स में से। बहुत तगड़ी पैकिंग कर देने लोग। सो ये रहा इसका, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा इस केटल का रोटेटिंग बेस। ओके, अभी आपको सब कनेक्ट करके बताएंगे तो पता चल जाएगा कि इसका कैसे यूज है। और ये इसका रोटेटिंग बेस का कॉर्ड, इसको साइड में रख देते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट अ केटल। बबल रैप में पैक देंगे। सो हियर इज आवर कैटल। ये कोई कंपनी है, यहाँ पे मेंशन है मेगा सिग्मा, उस कंपनी की कैटल है। बट जब फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदी थी तो डी एंड ब्रदर्स करके कंपनी दिखा रहा था, उस कंपनी की कैटल शो कर रहा था। बहरहाल जो भी है, अब इसके स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं। ये 2 लीटर्स की कैटल है, 1500 वाट इसकी कैपेसिटी है। देन आप इसमें पानी तो उबाल सकते ही हैं, उसके अलावा आप इसमें चाय बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, इसमें आप सूप बना सकते हैं, इसमें मैगी, अंडे, कुछ भी चीज़ आप जो चाहें बना सकते हैं। मतलब हाँ, वैसे नहीं कि आप इसमें दाल चावल बनाने लग जाइएगा, बट ऐसे जो लाइट चीज़ होती हैं जो स्नैक्स के पर्पज से यूज होती है, स्पेशली जो बच्चे हॉस्टल में खाना पसंद करते हैं, आप वो चीज़ें इसमें बना सकते हैं। ये जो इसकी आप इस सिल्वर कलर की बॉडी देख रहे हैं, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। और ये जो पूरी ब्लैक वाली है, ये प्लास्टिक मटेरियल की इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्योंकि जब हम लोग पानी वगैरह कुछ भी गर्म करते हैं तो ये पूरा स्टील वाला ऐसा भयंकर गर्म हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, आपको जब भी इस केटल को लिफ्ट करना है तो इसकी मदद से लिफ्ट करना है। ये पूरा ब्लैक वाला हिस्सा जितना भी है ये गर्म नहीं होता, सो आप इजीली इसको लिफ्ट कर सकते हैं। और बाकी इसमें ये पुश बटन है खोलने के लिए, दबा के इसे बंद कर दिया। ये ऐसे पुश वाला बटन है, जब आप इसे ऐसे दबाएंगे अंदर चला जाएगा और ये हमारी केटल खुल गई। अच्छा खासा देख सकते हैं, अच्छा खासा वाइड माउथ है, बहुत आराम से आप इसमें पानी वगैरह, अंडे, मैगी खोल के कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सूप वगैरह का पैकेट इसमें आप खोल सकते हैं बहुत आराम से। कॉफ़ी बनानी, चाय बनानी, जो मर्जी वो बन सकता है। उसके बाद इसको ऐसे करा और दबा के बंद कर दे, ये हो गया हमारा बंद। ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच है, इसलिए ऑन ऑफ का स्विच। अब आपको कैसे पता चलेगा कब ऑन है कब ऑफ है, वो आपको पता चलेगा इस रेड वाले इंडिकेटर से। अभी आपको यूज करके दिखाएंगे तो और पता चल जाएगा। ये रेड इंडिकेटर में लाइट जल जाती है, जब लाइट जलती है तो आपको पता चलेगा ऑन है, और जब लाइट ऑफ हो जाएगी तो पता चलेगा ऑफ हो गया। और कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है इसको यूज करते समय। जब इसको अभी यूज करेंगे तो आपको मैं बाकी सारे प्रिकॉशंस बता दूंगी। इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, क्योंकि ये केटली 544 रुपीज की है इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। तो इस केटली में आप वारंटी की उम्मीद मत कीजिएगा। वारंटी आपको मिलती है मिल्टन बजाज जैसी महंगी केतलियों में। मिल्टन की केतली आती है, आप ऑनलाइन प्राइस चेक कीजिएगा, 1000 रुपए की, जिसमें 1 साल की वारंटी है। और बजाज की केतली आती है 1600 रुपए की, जिसमें 2 साल की वारंटी है। अब आप ये कहेंगे कि थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करके और ज्यादा इन्वेस्ट करके इससे अच्छा तो ये केतली ले ली जाए जिनमें 1 साल 2 साल की वारंटी है, बजाय इसकी बिना वारंटी वाली केतली लेने की। तो मैं आपको इस यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्ट करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि ऐसी ही हमारी कोई पहली केतली नहीं है, तो हम लोगों ने इसलिए क्योंकि हमें हॉस्टल लेके जानी है। अब ये देखिए जो दूसरी केतली आपको दिख रही है, इसको साइड में रख देती हूँ नई केतली को। ये पुरानी वाली केतली दिखाती हूँ, ये दूसरी केतली आपको दिख रही है पुरानी वाली केतली। ये हम लोगों ने 3 से 4 साल पहले खरीदी थी। ये तब भी ऐसी 400-500 रुपए की आई थी बिना वारंटी के। तो ये स्कारलेट करके कंपनी है, यहाँ पे बहुत जरा सा छोट मेंशन है स्टील वाले इस पे पार्ट पे, शायद नजर भी नहीं आ रहा होगा। अब सोचिए स्कारलेट करके कंपनी भगवान जाने लोकल है, कैसी कंपनी है। इस कंपनी का खरीदा हुआ 3 से 4 साल हो गए,
बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रही है बिना किसी वारंटी के। अब बताइए 400-500 रुपए की आई थी बजाज की या मिल्टन की, तब भी महंगी आती और ये अब भी महंगी है, लेकिन क्या दिक्कत है इसको लेने में ना, चल गई कि नहीं चल गई आराम से। तो मेरे हिसाब से तो बजाज की या मिल्टन की महंगी महंगी केतली लेने से ज्यादा अच्छा है ये 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, अगर 2-3 साल बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही है तो क्या दिक्कत है, बाकी जैसी जिसकी मर्जी। ओह माय गॉड, ठीक है। तो अब हम लोग आपको डेमो दिखाते हैं जो हमारी नई केतली आई है उसका, पानी वगैरह भर के इसको मैं आपको पूरा चला के दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको ये कॉर्ड खोल लेते हैं हमारी। ओके, कॉर्ड जो है ना ये छोटी आती है, देखिए हमारी पुरानी केतली के कॉर्ड में ना जरा सी ही है, ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, 1 मीटर से भी कम लेंथ की है ये। तो आपको ऐसी जगह कनेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे एकदम स्विच बोर्ड जो है, जहाँ पे स्विच बोर्ड जो है जिस पे जिस टेबल पे या स्लैब पे आप इसे रखें तो स्विच बोर्ड इसके बिल्कुल पास हो, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ऐसे आप हवा में लेके इसको खड़े हाथ में लेके आप इसको खड़े नहीं रह सकते केतली को। इसका भी कॉर्ड देखिए उतना ही जरा सी लेंथ है कॉर्ड की, तो आपको बिल्कुल मतलब स्विच बोर्ड ऐसे ही रखना पड़ेगा कि बिल्कुल एकदम पास हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन कनेक्ट कर रखा है, मैं यहीं से आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। ये मैंने इसमें प्लग लगाया। अब देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पे ना ये 360 डिग्री रोटेशन वाला है, ये 360 डिग्री रोटेटिंग बेस है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको ऐसे नहीं कि कोई एंगल पे ही सेट करनी है, आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। आपने ऐसे पकड़ रखी है तो केतली को ऐसे लगा दीजिए, ऐसे पकड़ रखा है तो ऐसे लगा दीजिए, जैसी मर्जी है केतली जिस डायरेक्शन में लगाना चाहिए उस डायरेक्शन में लग जाएगी। ऐसे कोई फिट करने का कोई बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए बहुत आराम से केतली घूम गई, अगर हैंडल है उधर की तरफ आपको इधर लेके जाना है तो इधर ले गए, लेकिन जब ये चल रही हो तब इससे छेड़खानी ना करें, ये सब बंद में सही है। अब हम इसमें पुश करके इसको हमने ऑन करा बटन को, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, पहले पानी भर लें ऑन वगैरह बाद में करें। अंदाजे से थोड़ा सा पानी डाल दिया, और कभी भी पानी पूरा ऊपर तक मुंह तक नहीं भरना है, बिकॉज ये उबल के बाहर आ जाएगा तो बर्न्स होने के जलने के चांसेस रहेंगे और ये आपकी ये केतली भी खराब हो सकती है। इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है आपको, खुद यहाँ पे जब आप देखेंगे यूज़ करने लग जाएंगे तो खुद अंदाजा लगने लग जाएगा कि कितना पानी भरना है। वैसे इसमें कोई ऐसे मार्किंग्स नहीं बनी हुई है कि मैक्सिमम मिनिमम वाली मार्किंग बनी हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितना पानी भरना है। तो मैंने अंदाजे से पानी भर दिया, ये मैंने इसको किया बंद, स्विच में ऑन कर देती हूँ। देखिए वहाँ से तो स्विच ऑन कर दिया लेकिन अभी भी केतली ऑफ है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चला, वो पता चला मुझे इस इंडिकेटर से, क्योंकि इंडिकेटर में लाइट नहीं जली है। अब मैं जैसे ही इस बटन को यहाँ से पुश करूंगी, ये देखिए इंडिकेटर में लाइट जलने लग गई, तो हमारी केतली ऑन हो गई। इस केतली में पानी गर्म होने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता, 1 मिनट में तो पानी बिल्कुल खौल जाता है, क्योंकि बहुत सालों से यूज कर रहे हैं इसलिए एक्सपीरियंस है। देखिए आवाज आने लग गई, पानी गर्म होने लग गया, अब थोड़ी सी देर में पानी खौलने लग जाएगा। और इसका एक एडवांटेज केतली का मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ऑटो कट सिस्टम है, मतलब कि आप सपोज कभी पानी ऐसे रख के भूल जाए, आपका याद ना रहे, ठीक है, और पानी गर्म गर्म होता रहे तो अपने आप ही ये केतली ऑफ हो जाती है। अभी आप देखिएगा मैं ऑटो कट होगी, मैं इसको ऑफ नहीं करूँगी, यहाँ से मेरे पास ऑफ करने का सिस्टम है, मैं ऑफ करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको ऑफ नहीं करूँगी, मैं इसको ऑन ही छोड़ दिया, अभी ऑटो कट होगा। देखिए पानी गर्म होने लग गया, धुआं आने लग गया, यहाँ से निकलने लग गया, आई डोंट नो कैमरे में दिख भी रहा होगा कि देखिए मैं इसको खुद से ऑफ नहीं कर रही, मैं सपोज किसी काम में लग गई हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं पानी गर्म करके रख के छोड़ दिया इसे। ओके, एकदम खोलने लग गया पानी, 1 मिनट भी नहीं हुआ है अभी इसको रखे हुए, 1 मिनट में बिल्कुल पानी से खोलने लग जाता है कि भयंकर। ये फालतू बातें क्या बता रहे हो मुझे, ये देखिए, देखा आपने, हो गया ऑफ, इंडिकेटर बंद, इंडिकेटर बंद, बटन अपना बंद अपने आप ही। ये है ऑटो कट का फायदा, अगर आपका ध्यान नहीं रहे, जैसे गीजर्स वगैरह में भी होता है सिस्टम, ये सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लगा के छोड़ जाते हैं, अपने काम में लग जाता है, ध्यान नहीं रहता, तो इसका ये फीचर अच्छा है, वरना तो पूरी केतली जल जाएगी और ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है और दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो वो सब चीज़ों से बचाने के लिए ऑटो कट का सिस्टम अच्छा है। ओके, अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी ऐसी केतली चल रही हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पानी वगैरह गर्म कर रहे हो तो उसकी छींटे आने का डर रहता है, तो पानी गर्म करते दौरान, अभी तो ये केतली ऑफ है, ठीक है, तो पानी गर्म करते दौरान आप कभी भी इसको खोल मत दीजिएगा। हाँ, जब मैगी वगैरह बननी है तो आपको खोलना पड़ेगा, बीच में चलाना पड़ता है, आपको सूप चलाना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, पानी गर्म हो रहा हो तो आप इसको बंद रखिएगा ताकि छींटे आने का डर नहीं रहे। ओके, और दूसरा, जब ये इस पे हो, जब भी केतली ऑन हो चल रही हो, तो कभी भी बीच में से ऐसे मत उठा लीजिएगा,
अगर आपको इसको उठाना है तो पहले आप इसका स्विच, जैसे भी स्विच ऑन है तो ऐसे नहीं उठाना है आपको, पहले आपको स्विच ऑफ करना है फिर इसे उठाना है। तो बस इसको उठा लिया और जब वापस रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बस आराम से सेट भी हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें ये जो छेद है ना, ये इसके अंदर इसमें चला जाता है, बस इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। सो ये अपना ये गर्म हो गया, मैं एक बार पानी अब आपको स्विच ऑफ कर देती हूँ, पानी से पलट के दिखा देती हूँ। अब आपको पानी पलटने के लिए इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, नोजल दे रखा है, बस ऐसे पकड़िए, ये देखिए नॉल से पानी आ गया और देखिए कितना भयंकर पानी गर्म हो गया, ये देखिए बढ़िया तरीके से गर्म हो गया हमारा पानी। और अब आपने ये ध्यान दिया होगा ढक्कन भी देखिए कितना टाइट है, ठीक है, इसमें से ऐसे पानी निकला, जब मैं पलट रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा कहीं से कोई पानी इसमें से निकला नहीं, एकदम टाइट ढक्कन है, तो ये चीज़ भी इसकी बहुत बढ़िया है, लॉक सिस्टम है ना, ये हो गया लॉक, आवाज़ आते टिक ये लॉक बंद हो गया, ये पानी साइड रख देती हूँ कहीं किसी के हाथ ना चल जाए। दूसरा, जैसे आप इसमें चाय बनाए, पानी के अलावा जो भी आप चीज़ें बनाएंगे तो आपको इसको धोना पड़ेगा, तो धोने के समय ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, जैसे मैंने करी थी, इसमें हाथ डाल के मत धोइएगा। इसलिए नहीं कह रही क्योंकि गर्म होगा वो तो ऑब्वियस बात है, जब ठंडा हो जाएगा तब धोएंगे, लेकिन हाथ डाल के धोने से क्या होता है, इसके जो ये एजेस हैं ये बहुत शार्प है, इससे मेरे हाथ में कट लग गया था, ये एजेस बहुत शार्प है आपके, जैसे आप हाथ अंदर डालेंगे और वो घुमाएंगे इसको धोने के लिए अपने हाथ को, तो आपके हाथ में कट लग जाएगा। तो वो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप बॉटल ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, तो बॉटल धोने के लिए जो ब्रश आता है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, उसकी मदद से आप ये अंदर का हिस्सा धोएंगे, केवल अंदर का हिस्सा धोने के लिए, बाहर का हिस्से में आपको साबुन नहीं लगाना है। बाहर के हिस्से धोने के लिए आप क्या करेंगे, कोई सा भी कपड़ा गीला करेंगे और उससे बाहर का हिस्सा पोंछ देंगे, और ये जो काला वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, इसको तो आपको पोंछना भी नहीं, अगर कुछ गंदगी लग गई तो सूखे कपड़े से ऐसे ही हटा दीजिए, इसको तो आपको गीले कपड़े से भी नहीं करना, क्योंकि संभाल के ध्यान रखना यही हीटिंग एलिमेंट है उसका, खराब हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, आपकी वो केतली बेकार हो जाएगी। और ये वाला हिस्सा जो ये रोटेटिंग बेस है, इसको तो आपको बिल्कुल ही गीले कपड़े से कुछ नहीं करना, बस सूखा कपड़ा लीजिए जो धूल वूल मिट्टी लग जाती है, जैसे पुराने वाली आपने देखी होगी, पुराने वाले से वायर वायर सब गंदा हो जाता है, धूल लगने लग जाती है, बस सूखा कपड़ा लीजिए ऐसी वायर को और इस रोटेटिंग बेस को इसे साफ कर दीजिए, बस आपको ये प्रिकॉशन रखने हैं। और बाकी तो ये केतली यूज़ करना बहुत इजी है, कन्वीनियंट है, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप पानी गर्म करके ऐसे लेके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और इसको आपको रसोई भी कनेक्ट करना नहीं की ज़रूरत नहीं है, कमरे में रख लो, अपने हॉस्टल में कमरे में रहते हो उसमें रख लो, और पानी गर्म करा इसमें कैरी करके ले गए। ओके, सो आज का वीडियो इतना ही, और बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कुछ कमेंट वगैरह सजेशन हो तो जरूर बताइएगा, हमारा रिव्यू कैसा लगा, डेमो कैसा लगा, और कुछ पॉइंट्स अगर हमने छोड़ दिए हो तो बताइएगा, और आपको कुछ और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।